हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज चैट विंडो में ओके टाइप कीजिए। गुड, तो सब कुछ सही है। अभी हम सेशन शुरू करेंगे। मैं पहले लोगों को कुछ हेलो बोल देता हूँ। हेलो ममता, हेलो मैनुद्दीन, हेलो आराधना, हेलो सरोज, हेलो निकिता, हेलो हेलो लावण्या, हेलो कौशल, हेलो अभिजीत, हेलो क्षितिज, हेलो बलराम, हेलो सौरभ, हेलो कनिका, हेलो लावण्या, हेलो मिताली, हेलो साक्षी, हेलो क्षितिज, हेलो नंदिनी, हेलो शिवप्रकाश, ठीक है। तो अभी काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और टाइम भी 4 मिनट ऊपर हो चुका है, तो हम अब सेशन शुरू करेंगे, ठीक है। हेलो दीपक। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सीटीईटी की नोटिफिकेशन तो आ चुकी है। अब तो ये मतलब नोटिफिकेशन आने वाली है, न्यूज़ रिलीज आ चुका है। 12 जून को नोटिफिकेशन आने वाली है और 22 जून से हम फॉर्म भरने वाले हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि पहले नोटिफिकेशन आ जाए, फिर हम फॉर्म भर लें और फिर हम तैयारी शुरू करेंगे। मतलब आप में से बहुत लोग 22 जून के बाद तैयारी शुरू करने की सोच रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मेरे हिसाब से तो वो सही चीज़ नहीं है, क्योंकि टाइम एक बार निकल जाए वो आता नहीं है। बहुत पुरानी कहावत है और सच है। तो हमें जल्दी से जल्द तैयारी शुरू करनी है और सही दिशा में तैयारी शुरू करनी है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो तैयारी तो शुरू कर चुके हैं लेकिन कोई दिशा नहीं है, कुछ भी रैंडम उठाकर पढ़ रहे हैं। मैं छोटी छोटी किताबें जो बाजार में आती हैं ना, मैं उनको कुंजिया कहता हूँ। बहुत सारे लोग वो ले आते हैं, 4-5 किताबें, और उनका ना सर होता है ना पैर होता है। हर टॉपिक पे दो दो पैराग्राफ लिखकर वो बुक पूरी कर देते हैं और इससे बच्चों का कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। एक जमाना था 2013-2014 तक, आप उन किताबों को पढ़कर पेपर क्लियर कर सकते थे, पर आजकल काफी चेंज आ गया है, पेपर बहुत कंसेप्चुअल आ गया है। तो आज मैं जो आपको जो बताने वाला हूं वो बेसिकली कुछ अप्रोचेस बताने वाला हूं। अब बताना तो मैं इस सेशन में स्टडी प्लान के बारे में भी चाहता था, लेकिन वो हम एक अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नहीं तो सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और मैं और बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेलो स्वीटी, हेलो दीप्ति, हेलो मेधा, हेलो अभिमन्यु, हेलो रोहन। रोहन पूछ रहे हैं कि हमें 2019 सीटीईटी के बारे में बताएं। रोहन, इसका अभी कुछ पता नहीं है, 2019 की नोटिफिकेशन अब अगले साल ही आएगी। हेलो रिचा, थैंक यू। हेलो नंदिनी, ठीक है। और हमारे पास अभी लाइव सेशन में अराउंड 100 लोग जुड़ चुके हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे लोग हमारे लाइव सेशंस में बढ़ रहे हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको और अच्छा पढ़ाएं और अच्छी गाइडेंस दें। और अभी 105 लोग ये लाइव सेशन देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए, मैं और कुछ टाइम बर्बाद ना किए हुए सेशन को शुरू करूंगा। और आपको मैं दोबारा बस यही बताना चाहूंगा कि प्लीज सीरियस हो जाइए, ठीक है। हल्के में मत लीजिए, पेपर टफ आ रहा है। अगर आप 2016 का पेपर करके देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि आप इसमें 90 मार्क नहीं स्कोर कर पाएंगे। तो हमें ये फीलिंग नहीं लानी है, हमें अच्छे से तैयारी करनी है और एग्जाम को फोड़ना है। 90 नहीं, हमें 120 नंबर लाने हैं, कम से कम 120 नंबर लाने हैं, और अगर हो सका तो 130 तक भी लाने हैं, ठीक है। नंदिनी, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्लीज गिव मी राइट डायरेक्शन, आई एम सो कन्फ्यूज। आप हमें मेल लिख दीजिए, हम आपको काउंसल कर देंगे। अभी इस सेशन में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी हम सेशन पे फोकस करते हैं। तो चलिए, फोकस करते हैं हमारे सेशन पे। अभी मैं पीपीटी मोड में जा रहा हूं, आप पीपीटी देखेंगे और मेरी वीडियो भी देखेंगे। चलिए, तो पॉइंट ये है कि
हाउ टू टॉप सीटीटी एग्जाम 2018। मैंने जानकर इस टॉपिक को ये नाम दिया है कि हाउ टू टॉप सीटीटी एग्जाम 2018, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम एक एवरेज कैंडिडेट बनकर एग्जाम दें और एक एवरेज इच्छा रखें कि हमारे 90 मार्क्स आ गए। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें एक टॉपर की तरह तैयारी करनी है और एग्जाम को टॉप करने की कोशिश करनी है। इसीलिए आज का टॉपिक मैं उसी डायरेक्शन में लूंगा कि हाउ टू टॉप सीटीटी एग्जाम 2018, लेट्स रॉक दिस टाइम। ठीक है, हमें फोड़ देना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो मैं आपको 7-8 अप्रोचेस बताऊंगा। हमेशा की तरह उन अप्रोचेस को समझाने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस के बिना सेशन में मजा ही नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अगेन, बहुत सारे हमें कॉल्स और ईमेल्स आ रहे हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा कोर्स लें और कौन सा कोर्स उनके लिए वैलिड है। मैं आपको भी जनरल बता देता हूं, हम ये 5 चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये कोर्सेज नहीं है, ये कंटेंट है। जनरल पैडागॉजी जो कि आपकी 30 मार्क्स की आती है, मैथ्स की पैडागॉजी और कंटेंट जो कि अगेन आपका 30 मार्क्स का आता है, साइंस की पैडागॉजी और कंटेंट जो कि अगेन आपका 30 मार्क्स का आता है। मैथ्स और साइंस सिर्फ मैथ साइंस वालों के लिए आती है, सोशल स्टडीज वालों के लिए नहीं, उनके लिए सोशल स्टडीज आएगी। इंग्लिश पैडागॉजी एंड कंटेंट अगेन 30 मार्क्स का आता है, हिंदी पैडागॉजी एंड कंटेंट अगेन 30 मार्क्स का आता है। तो बेसिकली ये एक तरह के 5 सब कॉम्पोनेंट हैं। अब इन सब कॉम्पोनेंट्स को जोड़कर हमने कुछ कोर्सेज बना दिए हैं, वो कुछ ऐसे हैं। सबसे पहला कोर्स है सिर्फ 1000 रुपए का, जो कि पेपर 1 या पेपर 2, कोई भी कैंडिडेट पेपर 1 या पेपर 2 दे रहा हो उसके लिए वैलिड है। इसमें सिर्फ जनरल पैडागॉजी दी जाएगी जो कि 30 मार्क्स की आती है। ये हालांकि आती सिर्फ 30 मार्क्स की है, लेकिन अगर आप इस जनरल पैडागॉजी को कर लेंगे तो बाकी सेक्शंस में भी कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी। हाँ, उन सेक्शंस में जो पैडागॉजी आती है वो आप पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो बेसिकली ये 1000 रुपए का कोर्स सिर्फ जो जनरल पैडागॉजी 30 मार्क्स की आती है, पेपर 1 या हो या पेपर 2 हो, उसके लिए है। दूसरा कोर्स 2 जो कि 2500 रुपए का है, ये मैथ्स एंड साइंस का फुल कोर्स है। ये उन्हीं के लिए है जो कि पेपर 2 में मैथ्स और साइंस का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। इस कोर्स में हम 5 जो मैंने सब कंपोनेंट्स आपको बताए थे सभी दे रहे हैं, जनरल पैडागॉजी, मैथ्स की पैडागॉजी और कंटेंट, साइंस की पैडागॉजी और कंटेंट, इंग्लिश की पैडागॉजी और कंटेंट, और हिंदी की पैडागॉजी और कंटेंट। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी इस 2500 वाले कोर्स में आपको मिलेंगी। और अगर आप ये 2500 रुपए वाला कोर्स लेंगे जिसमें जनरल पैडागॉजी भी है, तो जो कोर्स 1 था जिसमें सिर्फ जनरल पैडागॉजी थी जो कि 1000 रुपए का था, वो आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक पूरा कोर्स होगा। ठीक है, और कोर्स 3 सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि सोशल स्टडीज दे रहे हैं पेपर 2 में। क्योंकि हम सोशल स्टडीज का कंपोनेंट नहीं लॉन्च कर रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए हम 3 कंपोनेंट्स लॉन्च कर रहे हैं, जनरल पैडागॉजी, इंग्लिश पैडागॉजी एंड कंटेंट, और हिंदी पैडागॉजी एंड कंटेंट। तो इसमें आपको इन 3 सेक्शंस की तैयारी की जाएगी। सोशल स्टडीज का मटेरियल हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन सोशल स्टडीज की तैयारी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़कर अच्छे से कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। ठीक है, लेकिन ये 3 सेक्शंस की तैयारी आपको नहीं पता आपको कहां से करनी है, इन 3 सेक्शंस पे हमें पूरा ध्यान देना है। और अगर आप सोशल स्टडीज पेपर 2 का पेपर दे रहे हैं, तो ये 3 सेक्शंस जिसको कि हमने कोर्स 3 कहा है, ये आप 1500 रुपए में ले सकते हैं। अब कोर्स चाहे जो भी हो, इसमें आपको इंटरैक्टिव प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, और हम बहुत सारे लाइव सेशंस भी करेंगे जो कि सिर्फ पेड कोर्स में होंगे। जैसे कि हम ये लाइव सेशन कर रहे हैं, ये तो हम ओपन कर रहे हैं, कोई भी देख सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लाइव सेशंस हम पेड कोर्स में करेंगे जो कि सिर्फ पेड स्टूडेंट्स ही देख पाएंगे। फिर हम चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स भी देंगे ताकि आप वीडियो देखकर नोट्स पढ़ें और अपने कंसेप्ट को और क्लियर करें। फिर हम प्रैक्टिस क्विजेस देंगे ताकि आप प्रैक्टिस करके चीजों को, कंसेप्ट को और क्लियर कर पाएं, और ये सारे क्विजेस बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे होंगे। फिर हम आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वीडियोस में ही सॉल्व करवाएंगे। पूरे 10 साल में, पूरे 10 पेपर पिछले जो 6 साल में हुए हैं, 2010 से लेकर 2016 तक, उनमें जितने भी पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, वो हर टॉपिक की वीडियोस में सॉल्व किए जाएंगे, ताकि आप कॉन्फिडेंस गेन कर लें कि हमारा कंटेंट पढ़कर आप सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं और आने वाले पेपर में भी आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए
ये था हमारे कोर्स के बारे में। ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि हमें बहुत सारे फोन कॉल्स, बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं, लोग थोड़े कंफ्यूज हैं। अब मैं आपको कुछ 8 अप्रोचेस बताऊंगा जिससे आप आने वाले सीटीईटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब अगेन, ये 8 अप्रोचेस वैसे तो मुझे सारे सेक्शंस में से बतानी चाहिए थी, पर ये जनरल अप्रोचेस हैं, किसी भी सेक्शन पे अप्लाई करेंगी। मैं पैडागॉजी सेक्शन का एग्जांपल लेके इन अप्रोचेस को समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहली अप्रोच है फोकस ऑन पैडागॉजी। जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि पैडागॉजी कॉम्पोनेंट एक असली कॉम्पोनेंट है जो आपकी टीचर होने की स्किल को टेस्ट करता है ना। ठीक है, आपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, साइंस के कर लिए, हिंदी की वोकैब, इंग्लिश की वोकैब कर ली, पर असली जो टेक्निक है बच्चे को पढ़ाने के लिए चाहिए वो पैडागॉजी है। और सीटीईटी का एग्जाम भी इसी बेसिस पे बनाया गया है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस पैडागॉजी में से आते हैं। तो अगर आप पेपर 2 देखें तो कुल मिलाकर 80 मार्क्स का पेपर आपका पैडागॉजी में से आता है। मतलब ठीक है, 30 मार्क्स की पैडागॉजी सीडीपी में, 10-10 मार्क्स की मैथ्स और साइंस में, और 10-15 मार्क्स की लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। टोटल 80 मार्क्स की सिर्फ आपको पैडागॉजी आती है। चाहे आप सोशल स्टडीज से दे रहे हो तब भी आपको 80 मार्क्स की पैडागॉजी आएगी। और सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे 90 मार्क्स की पैडागॉजी आएगी, क्योंकि पेपर 1 में जो पैडागॉजी एक जनरल साइकोलॉजी है। अगर आपने इस सीडीपी वाली पैडागॉजी को की पैडागॉजी करनी मुश्किल नहीं होगी, यहां तक कि आप कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली अगर आपने ये सीडीपी कर ली है तो इस सीडीपी के बेसिस पे ही इन सेक्शंस में मैथ, साइंस, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की पैडागॉजी में जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें से कुछ क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। हाँ, सारे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको मैथ्स की पैडागॉजी, साइंस की पैडागॉजी, लैंग्वेज 1 की पैडागॉजी और लैंग्वेज 2 की पैडागॉजी पढ़नी ही पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी पैडागॉजी, चाहे वो जनरल पैडागॉजी हो या किसी सब्जेक्ट की पैडागॉजी हो, आपस में रिलेटेड है, कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही यूज हो रहे हैं। तो हमें पैडागॉजी को अच्छे से समझना है, हमें एक मास्टर की तरह इसको समझना है। एक जैसे सर्कस में एक मास्टर होता है ना, शेर उसके हंटर पर काबू होकर चलता है, जैसा मास्टर कहता है शेर वैसा ही करता है। ऐसे ही आपको भी पैडागॉजी का मास्टर बन जाना है, जो भी क्वेश्चन आए आप उसको स्किंटों में ही कर लें, ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी अप्रोच पे जाता हूं। दूसरी अप्रोच यह है कि प्लीज कोई चैप्टर, कोई थ्योरी, कोई सेक्शन मत छोड़िएगा। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे ऑलमोस्ट जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें से 10-20% चैप्टर्स करके ही नहीं जाते हैं, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे पैडागॉजी के हो। उनको लगता है कि अरे इतना तो छोड़ देते हैं, बाकी पेपर कराएंगे, 90 मार्क्स ही तो लाने हैं। देखिए, आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, है ना। हमें कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो चैप्टर आप छोड़ने की सोचते हैं उनमें से आसान क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाहे चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। वैसे तो सीटीईटी में ऐसी कोई भी डीमार्केशन या ऐसा कोई भी लाइन नहीं है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी के बहकावे में आकर ये मान लेते हैं कि ये 2-3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं इसको छोड़ देता हूं, तो वो गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। आपके पास 3 महीने है, कोई 3 दिन तो है नहीं जिसमें आपको सिलेबस पूरा करना है। 3 महीने में तो हम ये सारा सिलेबस 10 बार कर सकते हैं, है ना। तो आपको कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि कुछ चैप्टर्स एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी, फ्रूट की साइको सेक्सुअल थ्योरी, सोशलाइजेशन, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें से बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं पास्ट ईयर्स में, और ये लोग इन चैप्टर्स को छोड़ जाते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, पिछले ही साल जो कि पिछला पेपर हुआ था 2016 में, सोशलाइजेशन से बहुत आसान क्वेश्चन आया था। अगर आपने ये नहीं पढ़ा होता तो आप कभी भी ना कर पाते, क्योंकि ये कॉमन सेंस से नहीं हो सकता था। क्वेश्चन है सोशलाइजेशन इज, कि सोशलाइजेशन क्या है। क्वेश्चन तो सिर्फ 2 वर्ड्स का है, रिपोर्ट बिटवीन टीचर एंड टॉट, के एक तरह का रिलेशनशिप जो कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में है, एक तरह का संबंध। प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी को मॉडर्न बनाना सोशलाइजेशन होती है। अडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, सोशलाइजेशन होती है। चेंज इन सोशल नॉर्म्स, सोशलाइजेशन होती है। तो ये इतने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे कि बिना अंडरस्टैंडिंग के आप इस क्वेश्चंस को नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैं अब आपको पहले सोशलाइजेशन के कंसेप्ट के बारे में समझाऊंगा और फिर दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कितना इजी था।
अब सोशलाइजेशन क्या है? देखिए सोशलाइजेशन होती है कि हम अपने बिलीफ्स को एक्वायर करते हैं, अपने नॉर्म्स को एक्वायर करते हैं और अपनी वैल्यूज को एक्वायर करते हैं और अपने कल्चर के बारे में सीखते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ये पूरी लाइन को आपको समझाऊंगा। अब सपोज कीजिए एक कैनेडा की रहने वाली लड़की की शादी हिंदुस्तानी लड़के से हो जाती है, तो जब वो इंडिया में आकर शादी करवाकर रहने लगेगी तो वो बेसिकली साड़ी पहनना सीखेगी, नमस्ते करना सीखेगी, तो कहीं ना कहीं वो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स सीख रही है कि हमारी सोसाइटी में कैसे आपस में मिलते जुलते हैं, क्या पहनते हैं, तो इसको हम नॉर्म्स कहते हैं। फिर उसको अगर उसकी उसकी शादी हिंदू लड़के से हुई है तो उसको ये भी पता लगेगा कि बीफ खाना एक बुरी बात है, दिवाली पे जब हम पूजा करते हैं तो इससे घर में लक्ष्मी आती है, तो ये सारी चीजें भी सीखेगी। ये बेसिकली इस लड़की के बिलीफ्स होंगे जो वो एक्वायर करेगी, ठीक है। बिलीफ्स हो गए ये, नॉर्म्स हो गए हमारे साड़ी और नमस्ते करना। फिर वो ये भी सीखेगी कि हमें फैमिली में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, हमें एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये हो गई हमारी वैल्यूज, ठीक है। तो इसी तरह ये लड़की जब इंडिया में शादी करवा कर आएगी तो वो बहुत सारे बिलीफ, नॉर्म्स और वैल्यूज और हमारे कल्चर के बारे में सीखेगी। और सोशलाइजेशन से हम सोशल डाइवर्सिटी भी सीखते हैं। अब इंडिया में कितने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, मद्रासी हैं, बंगाली हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, जाट हैं, बैकवर्ड कास्ट हैं, सब प्रकार के लोग हैं, ठीक है। तो सोशलाइजेशन से हम सोशल डाइवर्सिटी के बारे में जानते हैं कि हमारे देश में कितने भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, सबकी डिफरेंट ओपिनियन है, सबके डिफरेंट बिलीफ्स हैं, वैल्यूज हैं, तो हम सबके डिफरेंट वैल्यूज और बिलीफ्स को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि हर बंदे की अपनी सोच है, उसने उसके देखने का नजरिया अलग है। दूसरा है डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। हम ये भी जानते हैं कि हर बंदे की अलग ईटिंग हैबिट है। अगर बंदा साउथ में है तो शायद वो चावल इडली खाना पसंद करेगा, अगर वो नॉर्थ में है तो शायद वो परौंठा पूरी खाना पसंद करेगा, ठीक है। फिर हर धर्म के, हर जाति के लोगों की अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो ओवरऑल सोशल डाइवर्सिटी सीखने का मतलब यही है कि हम अपने सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं उनसे मिलना जुलना सीख जाते हैं, उनके बारे में जानने लगते हैं, उनकी जिंदगी को समझने लगते हैं। हम ये सबसे बड़ी बात समझने लगते हैं कि हर बंदा अलग है, उसके रहने का तरीका अलग है, उसके सोचने का तरीका अलग है, और हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमारे कहने पर चले। और जब हम ये बिलीफ्स, नॉर्म्स और वैल्यूज को एक्वायर करते हैं और सोशल डाइवर्सिटी को समझते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी सोसाइटी में रहने के लिए अडेप्ट करते हैं कि हमें सोसाइटी में रहने के लिए कैसा बनना पड़ेगा, है ना। ये बहुत जरूरी है कि सोशलाइजेशन हमें बिलीफ्स, नॉर्म्स और वैल्यू सिखाती है, सोशल डाइवर्सिटी के बारे में सिखाती है। ये सब सिखाने का मकसद यही होता है कि हम अपनी सोसाइटी में अडेप्ट कर सकें, हम अपनी सोसाइटी को जान सकें। अब क्वेश्चन आया था सोशलाइजेशन इज, कि सोशलाइजेशन क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि सोशलाइजेशन से जो भी हम सीखते हैं उसका असली मकसद यही होता है कि हम अपनी सोसाइटी में अडेप्ट कर सकें, ठीक है। और अगर आप देखें इसका ऑप्शन नंबर 3 है, अडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 5 सेकंड में करने वाला क्वेश्चन था और आंसर था ऑप्शन नंबर 3। अब एक और क्वेश्चन जो कि पिछले से पिछली बार आया था, अगेन सोशलाइजेशन पे आया था। सोशलाइजेशन मींस फॉलोइंग द सोशल नॉर्म स्ट्रिक्टली, बहुत लोग इसका आंसर यही देते हैं, एडजस्टिंग इन द सोसाइटी, रिवोल्टिंग अगेंस्ट द सोशल नॉर्म्स, के हम जो भी हमारे नॉर्म्स हैं उनके अगेंस्ट हम रिवोल्ट करें कि हम इनको फॉलो नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग सोशल डाइवर्सिटी, कि हम सोशल डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करें। अब अगर आप यहां पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों बहुत क्लोज हैं, लेकिन मैंने आपको समझाया था कि अंडरस्टैंडिंग सोशल डाइवर्सिटी का भी असलियत में मकसद यही है कि हम अपनी सोसाइटी में अडेप्ट कर सकें, एडजस्ट कर सकें। तो हालांकि फोर्थ ऑप्शन भी हमें सही लग रहा है, लेकिन ज्यादा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी अगर आपको 2 ऑप्शन सही लगें तो पेपर सेट करने वाले का मकसद ही ये होता है कि वो ये पहचान पाए कि आप दोनों में से बेटर ऑप्शन चूज कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो आप देख सकते हैं कि सोशलाइजेशन पे अगर आपने ये टॉपिक छोड़ा होता
तो आप इतने आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में भी छोड़कर आते, जबकि ये 5 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन है, सिर्फ 5 सेकंड में। 5 सेकंड में एक नंबर अगर आप ले आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। अब मैं अप्रोच नंबर 3 डिस्कस करूंगा, फोकस ऑन कंसेप्ट्स विद एग्जांपल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं बार बार स्ट्रेस देता हूं कि किसी भी चीज को समझिए जब आप, चाहे वो कोई थ्योरी हो, चाहे वो कोई एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो कोई थ्योरिस्ट हो, जैन प्याजे, वाइगोत्सी, हमेशा हमें चीजों को कंसेप्ट के थ्रू समझना है, कंसेप्ट को स्ट्रांग करना है। और कंसेप्ट को स्ट्रांग तभी किया जा सकता है जब हम कंसेप्ट को एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको हमेशा कोई भी चीज जब समझाता हूं तो एग्जांपल जरूर देता हूं, तो इस चीज को तो हमें गांठ बांध लेनी है कि कोई भी हमने डेफिनेशन पढ़ी, कोई भी हमने थ्योरी पढ़ी, हमने उस कंसेप्ट को एग्जांपल के थ्रू समझना है। अगर आपने रट्टा लगाया तो मतलब आपकी आउटपुट जीरो, याद रखिएगा, आउटपुट जीरो मतलब एग्जाम में उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जब आएगा आपको मिलेगा अंडा, ठीक है। तो मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सीरियस हूं आज, मैं चाहता हूं कि आप लोगों का फायदा हो, आप सही डायरेक्शन में जाएं। तो प्लीज एग्जांपल्स और कंसेप्ट को कभी भी अनदेखा मत कीजिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन है, सीता हैज लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड, व्हेन शी इज गिवन दाल एंड राइस शी मिक्सेस राइस एंड दाल स्टार्ट्स ईटिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, कि सीता ने अपने हाथों से राइस और दाल को खाना सीख लिया है और जब भी उसे दाल और राइस दी जाती है वो राइस और दाल को मिक्स कर कर खाना शुरू कर देती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, एप्रोप्रिएटेड, इनिशिएटेड। बहुत सारे लोग फर्स्ट दो ऑप्शंस में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये अकोमोडेशन है या एसिमिलेशन है। मैं आपको अब यही कंसेप्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा और फिर आप देखिएगा कि आप इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर लेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब प्याजे ने जो अडेप्टेशन प्रोसेस दिया है, ठीक है, उसमें उन्होंने ये स्टेप्स बताए हैं, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम और एकोमोडेशन, ठीक है, ये कुछ स्टेप्स बताए हैं प्याजे ने। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन को हम हिंदी में आत्मसातकरण भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एसिमिलेशन का कंसेप्ट समझाता हूं। एसिमिलेशन का मतलब है कि हम कोई भी नई नॉलेज को एसिमिलेट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अपने दिमाग में बिठाते हैं। अब सपोज कीजिए ये बच्चा जब एक घोड़े को देखता है तो वो अपने दिमाग में एक स्कीमा बना लेता है, मतलब घोड़े की एक पिक्चर बना लेता है कि चार लातों वाला जानवर जिसकी पूंछ हो और तकरीबन 5 फीट हाइट हो उसको हॉर्स कहते हैं या हॉर्स ऐसा दिखता है। तो इसने अपने दिमाग में हॉर्स के रिलेटेड एक पिक्चर बना ली, इसको हम स्कीमा भी बोलते हैं। तो अभी ये जो बच्चे ने प्रोसेस किया है घोड़े के बारे में, अपने दिमाग में स्कीमा बनाया है, इसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। अब सोचिए बच्चा थोड़ी देर बाद इस काऊ को देखता है लेकिन उसको नहीं पता ये काऊ है, वो सोचता है क्योंकि इसकी भी चार लातें हैं, इसकी भी पूंछ है, इसकी भी 5 फीट हाइट है, तो वो सोचता है ये भी घोड़ा है और वो अपने दिमाग में एक तरह से ये धारणा ले आता है कि हॉर्स थोड़ा मोटा और बल्कि भी हो सकता है। तो ये सारा एक एसिमिलेशन प्रोसेस है, वो अपनी नॉलेज में, अपने दिमाग में किसी चीज की पिक्चर बिठा रहा है, नॉलेज में एड कर रहा है, ठीक है। अब बच्चे के दिमाग में ये पिक्चर है कि ये दोनों घोड़े हैं और घोड़ा ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, लेकिन डिसइक्विलिब्रियम कब आएगा, ठीक है। यहां तक तो जो ये स्टेज थी यहां इक्विलिब्रियम में था, उसको था कि जो उसके दिमाग में पिक्चर है घोड़े को लेकर वो सही है, उसमें कुछ भी गलती नहीं है। लेकिन थोड़े देर बाद या थोड़े दिनों बाद उसके मम्मी पापा उसको बताते हैं कि बेटा ये घोड़ा नहीं, ये गाय है। बच्चा असमंजस में पड़ जाता है, उसके दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, क्योंकि जिस चीज को वो घोड़ा समझता रहा अब उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो तो गाय है। तो ये एक डिसइक्विलिब्रियम वाली स्टेट हो गई, मतलब जैसे ही न्यू सिचुएशन आई उसके पेरेंट्स ने उसको नई इंफॉर्मेशन दी कि ये घोड़ा नहीं ये गाय है, वो डिसइक्विलिब्रियम में आ गया। अब जब बच्चा डिसइक्विलिब्रियम में आता है तो वो वापस इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करता है। अब बच्चा क्या करेगा, क्योंकि
उसको पता लग गया है कि ये घोड़ा है ये काऊ है, वो अपने दिमाग में जो स्कीमा थे घोड़े को लेकर उसको मॉडिफाई करेगा, तो वो मॉडिफाई स्कीमा फॉर हॉर्स बनाएगा, मतलब जो दिमाग में उसके घोड़े का स्कीमा था उसको मॉडिफाई करेगा, और नए स्कीमा में शायद वो ये दिमाग में बिठाएगा कि 4 लातों वाला जानवर जिसकी पूंछ हो 5 फीट हाइट हो और कुछ ऐसा दिखता हो, मतलब पतला और थोड़ा फर्ती मतलब एजाइल दिखता हो, ठीक है, उसको वो घोड़ा होता है। लेकिन साथ ही वो काऊ के लिए भी एक स्कीमा बना लेगा कि 4 लातों वाला जानवर जिसकी पूंछ हो और 5 फीट हाइट हो और थोड़ा मोटा और बल्की हो वो काऊ होती है। तो ऐसे जो उसके पास अर्लियर इंफॉर्मेशन थी जो उसने असिमिलेट की थी, फिर वो इक्विलिब्रियम में आया था और नई सिचुएशन आने के बाद वो डिसइक्विलिब्रियम में आ गया था, फिर उसने अपने दोनों स्कीमास अपने स्कीमास को मॉडिफाई किया, अपनी दिमाग में जो हॉर्स की पिक्चर थी और काऊ की पिक्चर थी उसको मॉडिफाई किया, मतलब हॉर्स की पिक्चर को मॉडिफाई किया और काऊ की नई पिक्चर बनाई। इस चीज को हम एकोमोडेशन कहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी हम कई कभी भी नई नॉलेज को एब्जॉर्ब करते हैं, दिमाग में पिक्चर बनाते हैं, उसको सिमुलेशन कहते हैं, लेकिन जब उसी बनी बनाई पिक्चर को जो कि दिमाग में बनी हुई है उसको हम चेंज करते हैं, उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है, ये आपको हमेशा याद रखना है। एसिमिलेशन मतलब आप नई इंफॉर्मेशन को दिमाग में बिठा रहे हैं, एकोमोडेशन का मतलब आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ बना हुआ है, आप उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और जब बच्चे ने ये एकोमोडेट कर लिया, नई स्कीमा बना लिए, तो वो दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब मैं अगर उसी क्वेश्चन पे जाऊं, क्वेश्चन था कि सीता ने राइस और दाल खानी सीख ली है, और जब हम उसको दाल और राइस देते हैं तो वो दोनों को मिक्स कर कर खाना शुरू कर देती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। देखिए अब यहां पे कोई इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो रही है, सीता ने राइस और दाल खाना सीख लिया, और जैसे ही हम उसको चम्मच देते हैं वो राइस और दाल खाना शुरू कर देती है, मतलब उसने कोई नई इंफॉर्मेशन सीख ली है, अपने दिमाग में कोई नई पिक्चर बना ली है, कुछ चेंज नहीं कर रही है, नई पिक्चर बना रही है। तो इसका आंसर होगा एसिमिलेटेड, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, क्योंकि यहां पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है, नई इंफॉर्मेशन हम सिर्फ नई पिक्चर बना रहे हैं, ये है एसिमिलेशन, ठीक है। समझ आ गया ना बच्चों? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आने की 99% प्रॉबेबिलिटी है, ठीक है। अप्रोच 4, ये भी एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है कि हमें क्रिटिसिज्म्स के बारे में पढ़ना चाहिए, मतलब हम मैं ये आपको पहले भी एक लाइव सेशन में समझा चुका हूं कि हम बहुत बार सारी थ्योरीज पढ़ लेते हैं जी, प्याजे पढ़ लिया, वाइगोत्सी पढ़ लिया, ब्रूनर पढ़ लिया, कोहलबर्ग पढ़ लिया, कॉफे पढ़ लिया, ठीक है, टॉलमैन पढ़ लिया, सारी थ्योरीज पढ़ ली, लेकिन उन थ्योरीज की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्रिटिसिज्म है, हम उनको छोड़ देते हैं क्योंकि हमें बहुत बार वो बोरिंग लगते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है। आजकल एग्जाम सेटर भी चालाक हो गया है, उसको पता लग गया है कि आप ऐसी चीजें छोड़कर आते हैं और अक्सर वो आपको क्वेश्चंस क्रिटिसिज्म में उठा के डाल देते हैं, ठीक है। तो हमें ये छोड़नी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है इनको, बल्कि अच्छे से पढ़ना है। जब हमने सारी थ्योरी पढ़ ली है तो भैया 2-3 लाइन की क्रिटिसिज्म को क्यों छोड़ना है, उसको भी अच्छे से करना है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर जिसको पता है, ये हमने पहले सॉल्व कर चुके हैं, प्लीज चैट विंडो में टाइप कीजिएगा, देखते हैं किस किस को आता है। लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग हैज बिन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म। कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक थ्योरी दी है मॉरल रीजनिंग पे जिसको क्रिटिसाइज किया गया है बहुत सारे पॉइंट्स पर, इनमें से कौन सा पॉइंट्स उस थ्योरी के क्रिटिसिज्म के कंटेक्स्ट में सही है, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन यही है कि इनमें से कौन सा पॉइंट कोहलबर्ग की थ्योरी का सही क्रिटिसिज्म है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, और जिसको इसका आंसर आता है प्लीज चैट विंडो में टाइप कीजिएगा, हम देखते हैं कौन कौन लोग हमारे सेशंस को अच्छे से सुन रहे हैं और कौन कौन लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मॉरल रीजनिंग पे बहुत ज्यादा रिसर्च की थी। मॉरल रीजनिंग का मतलब होता है कि आदमी सच या झूठ क्यों बोलता है। मॉरल रीजनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आदमी सच या झूठ बोल रहा है, मॉरल रीजनिंग का मतलब ये है कि बंदा अगर सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है, मतलब हम जो भी चीज कर रहे हैं उसके पीछे का आंसर, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो कोहलबर्ग ने जो रिसर्च की थी उसको
हेन्स डायलेमा के ऊपर रिसर्च की थी। हेन्स एक व्यक्ति थे जिनकी बीवी बहुत बीमार थी, बिल्कुल मरने की कगार पे थी। डॉक्टर उन्हें कुछ दवाइयाँ लाने के लिए कहते हैं। जब हेन्स दवाइयाँ लेने जाते हैं तो केमिस्ट बोलता है कि ये दवाइयाँ उसने खुद बनाई हैं और इसकी कीमत वो 10 गुना चार्ज करेगा क्योंकि ये दवाइयाँ बनाने में उसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। हेन्स बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि प्लीज़ वो उनको ये दवाइयाँ दे दें नहीं तो उनकी बीवी मर जाएगी, लेकिन केमिस्ट बिल्कुल भी नहीं सुनता है। हेन्स वापिस आ जाते हैं लेकिन रात को वो दोबारा दुकान में घुसकर चोरी कर लेते हैं वो दवाइयाँ और उन दवाइयों से उनकी बीवी बच जाती है। तो अक्सर अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेन्स ने जो किया वो सही किया या गलत किया, और लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी यही क्वेश्चन कुछ 70 लड़कों को पूछा कि हेन्स ने जो किया वो गलत किया या सही किया। लॉरेंस कोहलबर्ग ये नहीं जानना चाहते थे कि उसने सही किया या गलत किया, लॉरेंस कोहलबर्ग ये जानना चाहते थे कि जो बच्चा कह रहा है कि उसने सही किया तो लॉरेंस कोहलबर्ग उससे पूछते थे क्यों, और जो बच्चा कहता था गलत किया लॉरेंस कोहलबर्ग उससे पूछते थे क्यों। तो बेसिकली वो सही किया या गलत किया ये नहीं जानना चाहते थे, वो ये जानना चाहते थे कि जो लोग सही कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं, जो लोग गलत कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं, मतलब वो रीजन जानना चाहते थे जिसके बेस पर लोग हेन्स को सही या गलत कह रहे थे। तो अगर इस रिसर्च का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म देखें तो वो यही है कि हेन्स ने अपनी पूरी रिसर्च 70 लड़कों पर की, कोई भी लड़की को नहीं जोड़ा, कोई भी लड़की को इंक्लूड नहीं किया। और ये माना जाता है कि लड़कियों का जो इमोशनल बिहेवियर होता है वो लड़कों से बहुत अलग होता है, तो शायद कोई लड़की होती ऐसा ना कर पाती लेकिन लड़के ने ऐसा कर लिया। ठीक है, तो ये एक क्रिटिसिज्म है जो लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी का बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च सिर्फ लड़कों पर ही कर ली, लड़कियों को इंक्लूड नहीं किया। अब क्वेश्चन यही है कि लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी का क्रिटिसिज्म इनमें से कौन सा सही है। अगर आप चौथा ऑप्शन देखें, चौथा ऑप्शन यही है कि कोहलबर्ग हैज बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरीली ऑन द मेल सैंपल, कि कोहलबर्ग ने जो अपनी स्टडी की थी वो मेल सैंपल पे बेस्ड थी, और यही इनकी थ्योरी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है, और इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो मैं वापस उसी पॉइंट पे आऊंगा कि आप कोहलबर्ग की सारी थ्योरी पढ़ लीजिए, 8 की 8 स्टेजेस पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप क्रिटिसिज्म नहीं पढ़ेंगे तब तक आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज क्रिटिसिजम्स को मत छोड़िएगा, एक थ्योरी तभी कंप्लीट होती है जब हम उसको सारे एस्पेक्ट से पढ़ लें, और आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको सारे एस्पेक्ट पढ़ने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब मैं अप्रोच नंबर 5 पे आता हूं। अप्रोच नंबर 5 है कंपैरिजन बिटवीन थ्योरीज। हम बहुत बार क्या करते हैं, हम काफी थ्योरीज को पढ़ लेते हैं, वाइगोत्सी पढ़ ली, प्याजे पढ़ ली, ब्रूनर पढ़ ली, टोलमैन पढ़ ली, कोलर पढ़ ली, सारी थ्योरीज पढ़ ली, लेकिन आपस में सारी हम मिक्स कर लेते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि किसने क्या कहा है। यह बहुत जरूरी है कि हम अच्छे से समझें कि कौन सा थ्योरिस्ट क्या कह रहा है और उनका आपस में कंपैरिजन करें कि प्याजे ने अगर ये कहा तो वाइगोत्सी ने ये क्यों नहीं कहा, उनका कहना क्या था। जैसे कि वाइगोत्सी मानते थे कि सोशल इंटरेक्शन का हमारी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन प्याजे ये कभी नहीं मानते थे। ठीक है, प्याजे ने कभी नहीं कहा कि सोशल इंटरेक्शन से हमारी डेवलपमेंट होती है, लेकिन वाइगोत्सी की सारी थ्योरी ही इसी पर बेस्ड है। तो बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन डेवलपमेंट एज पर प्याजे, और ऑप्शन में होता है सोशल इंटरेक्शन। ऐसे क्वेश्चन आप तभी आंसर कर पाएंगे अगर आप थ्योरीज को आपस में रिलेट कर उनके बारे में सोचेंगे कि इस थ्योरी में अगर ये कहा गया है तो उस थ्योरी में ऐसा क्यों नहीं कहा गया है, उसके बदले में क्या कहा गया है। ठीक है, ये चीज आपको अपने आप ही सीखनी पड़ेगी, टीचर भी सिखाता है, लेकिन जैसे जैसे आप थ्योरीज को पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं और डिटेल में जाते हैं, तब ऐसी चीजें आप खुद ब खुद समझने लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू अगेन आपको समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू प्याजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, के प्याजे के मुताबिक इनमें से कौन सा पेयर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, कुछ ऑप्शंस उन्होंने वाइगोत्सी की थ्योरी से डाल दी हैं, कुछ क्वेश्चंस उन्होंने प्याजे की थ्योरी से डाल दी हैं, जैसे कि एसिमिलेशन प्याजे की थ्योरी का कंसेप्ट है, एकोमोडेशन प्याजे की थ्योरी का कंसेप्ट है, ZPT तो कुछ होता ही नहीं है, ZPD था मेरा ख्याल, मिस प्रिंटिंग हुई है, CTT वालों की जय। तो ZPD और स्कैफोल्डिंग वाइगोत्सी की थ्योरी का कंसेप्ट है। तो उन्होंने कैसे कंसेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया है। ये क्वेश्चन तो हालांकि बहुत इजी है, मैंने बहुत इजी क्वेश्चन उठाया है ताकि आप लोग इसको सॉल्व करके थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर पाए, क्योंकि मैं अभी भी हैरान हूं कि सिर्फ 5% लोग ही
मॉक टेस्ट नंबर वन में 90 मार्क्स ले पाए, बाकी फेल हो गए, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो होगा, इसीलिए मैंने कुछ आसान क्वेश्चंस डाले हैं आज इस सेशन में। तो यहाँ पे अगर मुद्दे पे वापस आए तो यही है कि आपको प्याजे और वाइगोत्सी की थ्योरी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उनके एरियाज हैं, बहुत क्लियरली पता होने चाहिए। अगर आपको पता है कि ZPD, स्कैफोल्डिंग, वाइगोत्सी के कंसेप्ट हैं, तो आप पहले दो क्वेश्चंस को आसानी से, पहले दो ऑप्शंस को आसानी से निगलेक्ट कर देंगे, और ऑप्शन चार आपको बहुत जल्दी से सही लगने लगेगा, क्योंकि एक तो आपने पहले दो तीन ऑप्शंस को रिजेक्ट कर दिया है, और ऑप्शन चार वैसे भी सही लग रहा है क्योंकि सिमुलेशन एंड अकोमोडेशन प्याजे के ही कंसेप्ट हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर चार ही होगा। ठीक है, अब हम अप्रोच सिक्स पर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। ठीक है, अप्रोच सिक्स है इंटेलिजेंट गेस। हमें एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, लेकिन तुक्का भी नहीं लगाना है ना। तुक्का होता है कि यार बस कुछ भी लगा दिया कि ए बी सी डी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, बी लगा दिया, देखी जाएगी, भगवान भरोसे है, क्या पता मार्क्स आ जाएं। हमें तुक्का नहीं लगाना है, हमें इंटेलिजेंट गेस लगाना है। इंटेलिजेंट गेस क्या होता है? इंटेलिजेंट गेस वो चीज होती है जहां पे हम क्वेश्चन को थोड़ा समझ कर मार्क करने की कोशिश करते हैं, कि हमें पता है चार ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन तो पक्का नहीं है, दूसरी ऑप्शन शायद ही हो सकती है, लेकिन दो ऑप्शंस में हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, फिर हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे और फिर हम गैस लगाएंगे। इसको मैं तुक्का नहीं बोलता हूं, ये एक इंटेलिजेंट गैस है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको इंटेलिजेंट गैस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज मैं आपको तुक्का लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको एक इंटेलिजेंट गैस लगाने के लिए कह रहा हूं। इंटेलिजेंट गैस और तुक्के में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तुक्का बिल्कुल ही अनदेखा मार्क किया जाता है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो किया, कुछ भी नहीं सोचा और लगा दिया, भगवान भरोसे छोड़ दिया। इंटेलिजेंट गैस एक इंटेलिजेंट गैस होता है जिसमें आपका दिमाग लग रहा होता है, लेकिन आप रिस्क उठाते हैं कि इन दो में से आपको आंसर नहीं पता लग रहा है, लेकिन फिर भी आप एक मार्क कराएंगे, और अगर आप ऐसे 10 क्वेश्चन भी करके आएंगे, 5 तो आपके पक्का सही होंगे ही होंगे। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम इंटेलिजेंट गैस से कैसे कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं, जो बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, प्लीज सारे इस क्वेश्चन को पढ़िए और चैट विंडो में टाइप कीजिए इसका आंसर। हम देखते हैं कि कौन कौन इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर सकता है। मैं 2 मिनट के लिए यहां पे रुकूंगा, आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और गेस लगाइए। सभी लोग इसका आंसर नंबर 4 दे रहे हैं, बहुत सही, लगता है आप लोग तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट गैस लगाना सीख गए हैं। बिल्कुल सही है, इसका आंसर 4 ही है। मैं आपको समझाता हूं कि इसका आंसर 4 क्यों है। तो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स इंटेलिजेंस, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इंटेलिजेंस को सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करती है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, चारों थोड़ी कंफ्यूजिंग दिख रही हैं, कि इंटेलिजेंस अनडाइमेंशनल होती है, इंटेलिजेंस हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होती है, इंटेलिजेंस सिर्फ एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है, या इंटेलिजेंट मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। अब शायद आपने ये ना पढ़ा हो कि इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, लेकिन आपने इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी, जैसे कि मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाई EL थॉन्डिके। अगर आपने थॉन्डिके की मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ ली है, तो इसका मतलब यही है कि इंटेलिजेंस की डिफरेंट डोमेन्स होती हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट डायमेंशन होती हैं। ठीक है, जैसे कि थॉन्डिके ने कहा है कि इंटेलिजेंस के 3 डायमेंशन हैं, सोशल, कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट, है ना। तो अगर आपको सिर्फ इतना ही याद था कि थॉन्डिके ने 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस कहा है कि इंटेलिजेंस की 3 डायमेंशंस होती हैं, तो पिछला क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते थे कि इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। तो शायद ये सीधी लाइन आपने ना पढ़ी हो, लेकिन आप इसको किसी और चीज से रिलेट कर इंटेलिजेंट गेस लगा सकते थे, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होता।
फिर भी हमने ईएल थॉन्टिके के मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को अभी उठाया है, तो हम एक बार इसको अच्छे से समझ ही लेते हैं। ईएल थॉन्टिके के मुताबिक तीन टाइप की इंटेलिजेंस होती है। सोशल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है कि हमारे में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे में एबिलिटी है, बहुत ज़्यादा हमारे में मोटिवेशन है, बहुत ज़्यादा हमारे में एक तरह का इनबिल्ट टैलेंट है कि हम लोगों से अच्छे से मिलजुल सकते हैं, लोगों से अच्छे से बात कर सकते हैं, लोगों को अपना दोस्त बना सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं या उनको अपनी प्रॉब्लम समझा सकते हैं। तो सोशल इंटेलिजेंस का मतलब यही है, जो व्यक्ति समाज में बहुत मिलजुल कर रह सकता है और बहुत ज़्यादा नेटवर्क बना सकता है। फिर बारी आती है कंक्रीट इंटेलिजेंस की। कंक्रीट इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप कंक्रीट चीज़ों पर, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन चीज़ों को यूज़ करके बहुत ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स ब्लॉक्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है, आप बहुत बड़े बड़े मशीन्स को आसानी से असेंबल कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स में फॉल्ट ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंक्रीट इंटेलिजेंस होगी। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या होती है? अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है कि हम ऐसी चीज़ें जो हम देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर हमारा दिमाग बहुत चलता है। जैसे कि हम अपने दिमाग में ही मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हम अपने दिमाग में ही ढूंढ सकते हैं कि साउंड कितनी स्पीड से आती है। तो ये सारी चीज़ें अब्स्ट्रैक्ट हैं, हमने साउंड और लाइट कभी देखी तो है नहीं, लेकिन अगर हम इनसे रिलेटेड कंसेप्ट को अपने दिमाग में दौड़ाकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होगी। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है, वो चीज़ें जो हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं कर सकते, सिर्फ अराउंड फील कर सकते हैं, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस वाले लोग ज़्यादातर बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं और बहुत बड़ा बड़ा नाम कमाते हैं, ठीक है। तो ये तीन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हमें याद रखनी है, सोशल, कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत सिंपल था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अब मैं आपको दो अप्रोचेस बता रहा हूं जो कि बहुत सिंपल अप्रोचेस हैं, लेकिन हमें यूज जरूर करनी है। अप्रोच नंबर 7 है, डू नॉट मार्क व्हाट यू सी इन स्कूल्स। कि बहुत बार हम स्कूल्स में ऐसी चीजें देखते आए हैं जो हमारे दिमाग में बैठ गई हैं, लेकिन वो थ्योरेटिकली सही नहीं है, वो हो रही हैं लेकिन वो पेपर के हिसाब से गलत है, और वैसा स्कूल्स में भी नहीं होना चाहिए लेकिन होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, चिल्ड्रन इज नेवर एट फॉल्ट, कि बच्चा कभी भी गलत नहीं होता है, कभी भी बच्चे की गलती नहीं होती है, या तो स्कूल गलत है या टीचर गलत है या पूरा सिस्टम ही गलत है, और पूरा सिस्टम ही फेल होता है, ठीक है। बच्चा कभी भी फेल नहीं होता है, अगर बच्चा फेल हो रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे की टीचर फेल हो रही है जो उसको पढ़ा नहीं पाई, बच्चे का स्कूल फेल हो रहा है जो उसको सही एजुकेशन नहीं दे पाया, या पूरा सिस्टम ही फेल हो रहा है जो बच्चे को वो पढ़ा नहीं पाया जो कि वो पढ़ना चाहता था। ये पॉइंट याद रखिएगा, हालांकि आपको थोड़ा गलत लग रहा होगा क्योंकि हमारी सोसाइटी और स्कूल्स में जो बच्चे फेल होते हैं उनको अक्सर यही कहा जाता है कि ये तो नलायक हैं, ये तो फेल हो गए हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि कभी भी हमें ऐसा नहीं कहना है कि बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। अगर कोई बच्चा पेपर में मार्क्स नहीं ला पा रहा है तो ये स्कूल या टीचर की गलती है कि वो उसको उसके इंटरेस्ट और नीड के मुताबिक नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन ये कहना कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, ये सीटीईटी के पेपर में कभी भी मत अपना एक व्यू लेके जाना, वो गलत है। टीचर को सब बच्चों को उनकी नीड के अनुसार पढ़ाना चाहिए, उनके स्टाइल के अनुसार पढ़ाना चाहिए। अगर कोई बच्चा किताब में से पढ़ना चाहता है तो टीचर को किताब में से पढ़ाना चाहिए, अगर कोई बच्चा वीडियो और इंटरनेट से पढ़ना चाहता है तो टीचर को वीडियो और इंटरनेट से पढ़ाना चाहिए। हालांकि ये इम्पॉसिबल है, अगर क्लास में 40 बच्चे हैं और हर बच्चा अलग तरीके से पढ़ना चाहता है तो टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन सीटीईटी पेपर में थ्योरी के मुताबिक टीचर को हमेशा यही करना है, टीचर को हमेशा हर बच्चे की नीड और स्टाइल के मुताबिक पढ़ाना है। चौथा, चिल्ड्रन विल नेवर चेंज, टीचर नीड्स टू चेंज। कि अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका सलूशन यह है कि बच्चा चेंज हो जाए, नहीं, बच्चा जैसा है वैसा ही रहेगा, टीचर को बदलना पड़ेगा कि वो बच्चे के स्टाइल, नीड, इंटरेस्ट के मुताबिक बच्चे को पढ़ाए, ठीक है। ये चारों पॉइंट आपको कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे होंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में हम यही देखते हैं कि बच्चों को नलायक माना जाता है, टीचर अपने तरीके से पढ़ाती है और जो बच्चा पढ़ पाता है वो पढ़ लेता है, बाकी पीछे रह जाते हैं, टीचर के अकॉर्डिंग बच्चे को बदलना पड़ता है, लेकिन ये हो रहा है लेकिन गलत है, और पेपर पेपर के हिसाब से तो ये बिल्कुल ही गलत है। पेपर में कभी भी ऐसा आंसर मत मार्क करके आना
जो कि मैंने आपको ये चार चीजें बताई हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। देयर आर फ्यू चिल्ड्रन इन योर क्लास हु मेक एरर्स, विच ऑफ दीज इज मोस्ट लाइकली टू बी योर एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो एरर कर रहे हैं, आपके मुताबिक इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। द चिल्ड्रन हैव पुअर इंटेलिजेंस, गलत। मैंने आपको भी बताया था कि कभी भी बच्चों को यह नहीं कहना है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत है। चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, ये भी गलत है। हमें बच्चे की कभी भी मतलब गलती नहीं निकालनी है कि बच्चा स्टडीज में इंटरेस्टेड नहीं है, ये भी गलत है। द चिल्ड्रन शुड नॉट हैव बीन प्रमोटेड टू योर क्लास, कि बच्चे को आपकी क्लास में प्रमोट ही नहीं करना चाहिए था इसीलिए वो एरर कर रहा है, ये भी गलत है। अगेन, कभी भी बच्चे की गलती नहीं होती है, गलती सिस्टम की, टीचर की होती है, स्कूल की होती है। चौथा पॉइंट है, द चिल्ड्रन हैड नॉट गेन्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड देयर इज नीड फॉर यू टू रिफ्लेक्ट ऑन योर पेडागोजी, कि बच्चे ने अभी भी कंसेप्ट को नहीं समझा है और टीचर को जरूरत है कि वो अपने पढ़ाने के स्टाइल के ऊपर ध्यान दे और देखे कि उसको कैसे इंप्रूव कर बच्चे को उस कंसेप्ट को समझा सकती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे हम यही कह रहे हैं कि टीचर चेंज होगी ताकि बच्चे को कंसेप्ट समझ आ जाए, और यही इसका सही ऑप्शन है। तो मैंने जो आपको अभी चार पॉइंट बताए थे वो रामबाण की तरह लगेंगे आपके एग्जाम में, जहां जहां ऐसे क्वेश्चन आएंगे बस उन्हीं पॉइंट्स को उठाकर आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी पे बेस्ड है। इफ स्टूडेंट्स मेक एरर्स ड्यूरिंग अ लेसन टीचर शुड, कि अगर बच्चे किसी लेसन के दौरान बार बार एरर कर रहे हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं आप में से ये कौन ये क्वेश्चन सही करता है। मैं आधे मिनट के लिए पॉज लूंगा, इतने में आप ये क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए और अपने आंसर को चैट विंडो में टाइप कीजिए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चा क्लास में बार बार एरर्स कर रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए। मेक चेंजेस इन द इंस्ट्रक्शन, टास्क, टाइम टेबल और सीटिंग अरेंजमेंट, कि टीचर को पढ़ाने के तरीके में या टाइम टेबल में या एक्टिविटीज कराने के तरीके में चेंजेस लाने चाहिए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे टीचर चीजों को चेंज कर रही है, खुद को चेंज कर रही है, बच्चे को चेंज नहीं कर रही है। तो मेरे हिसाब से तो पहला ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। हम एक बार दूसरा तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। कभी भी सिर्फ पहले ऑप्शन को देखकर आंसर मत मार्क कीजिए, बाकी ऑप्शंस को भी जरूर पढ़ लीजिए। दूसरा ऑप्शन है, लीव द लेसन फॉर द टाइम बीइंग एंड कम बैक टू इट आफ्टर सम टाइम, कि लेसन को अभी छोड़ दो और थोड़ी देर के बाद उस पर वापस आओ। गलत। भैया लेसन छोड़कर कहां जाएं, पार्क में जाएं क्या? अगर नेक्स्ट लेसन पे चले जाएंगे तो वो वैसे समझ नहीं आएगा, क्योंकि पिछले लेसन के कंसेप्ट यूज होंगे। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है, आइडेंटिफाई द एरिंग स्टूडेंट्स एंड टॉक टू प्रिंसिपल अबाउट देम, कि जो बच्चा एरर कर रहा है उसकी शिकायत प्रिंसिपल को लगा के जाएं। गलत है, कभी भी बच्चे में कमियां नहीं ढूंढनी है। मेक एरिंग स्टूडेंट्स स्टैंड आउटसाइड द क्लास, कि जो बच्चे एरर कर रहे हैं उनको क्लास के बाहर भेज दो, ये भी गलत है। यहां पे भी आप ये लेकर चल रहे हैं कि बच्चे गलतियां कर रहे हैं और उनको पनिश करना पड़ेगा। तो दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, और पहला ऑप्शन हमें वैसे ही सही लग रहा था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट, अब अप्रोच एट में भी मैं आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट बताने जा रहा हूं जो कि आप स्कूल्स में अक्सर देखते हैं, लेकिन आपको सीटीईटी पेपर के लिए उनको गलत मानना है। सबसे पहला, नेवर पॉइंट एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन, जस्ट गिव देम सम हिंट। हमने बहुत बार स्कूल्स में देखा है कि जब भी बच्चा कोई गलती करता है टीचर उंगली पॉइंट करके बताती है कि तुमने ये गलती की है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। टीचर को कभी भी बच्चों के एरर्स पे नहीं पॉइंट करना है, उनको सिर्फ एक हिंट देना है कि उन्होंने कुछ गलती की है और बच्चा अपनी गलती को खुद ढूंढेगा और खुद से सही करेगा। ये सही तरीका है, ठीक है। आप स्कूल्स में देखते हैं कि हम एरर पे पॉइंट करके उसको बोलते हैं कि सही करो, वो गलत तरीका है। तो हमें वैसा तरीका एग्जाम में नहीं टिक करना है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें कभी भी बच्चे के एरर के तरफ नहीं पॉइंट करना है, उसको सिर्फ हिंट देना है कि कुछ गलत किया है, वो अपनी गलती खून ढूंढेगा और खुद से ही सॉल्व करेगा। नेवर प्रोवाइड करेक्ट सोल्यूशन टू द चिल्ड्रन, अगेन हम बहुत बार देखते हैं कि जब बच्चा गलती करता है टीचर फट से उस गलती को पॉइंट करके सही भी कर देती है कि इसका सही सोल्यूशन ये है, लेकिन ये गलत है। बच्चे को हमेशा अपने आप से अपनी गलती का सोल्यूशन ढूंढने का
मौका दीजिए, कभी भी बच्चे को खुद से करेक्ट सोल्यूशन मत दीजिए। तीसरा, लेट चिल्ड्रन सॉल्व एरर्स बाय देमसेल्व्स, अगेन वही कि बच्चों को अपनी गलतियों के सोल्यूशन खुद से ढूंढने दीजिए, आप उनकी गलतियां मत सॉल्व कीजिए। अब मैं इसी के बेस पे क्वेश्चन करता हूं, ए क्लास सेवन स्टूडेंट मेक्स एरर्स इन मैथमेटिक्स एज अ टीचर यू वुड, कि क्लास सेवन का एक बच्चा मैथमेटिक्स में एरर्स कर रहा है, एज अ टीचर यू वुड प्रोवाइड द स्टूडेंट द करेक्ट आंसर, गलत है। स्टूडेंट को करेक्ट आंसर तो हमें देना ही नहीं है। अलाउ द स्टूडेंट टू यूज कैलकुलेटर, ये भी गलत है। आस्क द स्टूडेंट टू यूज ऑल्टरनेटिव मेथड एंड रीडू इट टू फाइंड आउट एरर्स ऑन हिज ओन, क्या बच्चे को बोलेंगे कि उस क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से करे या दोबारा करे ताकि वो अपने गलतियों को खुद से ढूंढ पाए या रियलाइज कर पाए। ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। जैसा कि मैंने आपको समझाया, आपको कभी भी एरर पर पॉइंट नहीं करना है, बच्चे को नहीं बताना है कि उसने एरर किया है, बच्चे के एरर का सोल्यूशन भी नहीं देना है, बच्चे को सिर्फ हिंट देना है कि उसने कुछ एरर किया है, वो अपना एरर खुद से ढूंढेगा और खुद से सही भी करेगा, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, अब मैं डिस्कस करना चाहता था स्टडी प्लान और रिसोर्सेज के बारे में, लेकिन टाइम नहीं है तो मैंने पहले से ही इसको एक अलग सेशन में प्लान किया है, हम इसको किसी और सेशन में देखेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं कि सीटीटी की तैयारी के लिए जो पैडागॉजी वाला पार्ट है, मैथ्स की पैडागॉजी हो, साइंस की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो या जनरल हो, उसके लिए कोई भी रिसोर्स अच्छा नहीं है मार्केट में। ठीक है, मतलब मैं अपने कोर्स के बारे में नहीं कहना चाहूंगा कि आप हमारा कोर्स खरीदिए, पर जो बच्चे छोटी छोटी किताबें आती हैं ना बड़े बड़े पब्लिशर्स की, और उनमें 25-30 पेजेस में पूरा पूरा चैप्टर खत्म, पूरा पूरा यूनिट खत्म कर देते हैं, उन कुंजियों को मत पढ़िएगा, लटक जाएंगे, 90 मार्क भी नहीं आएंगे आपके। ठीक है, और वैसे भी 90 ले आए तो बड़ा तीर नहीं बजेगा, क्योंकि आजकल 90 मार्क्स लेकर जॉब लेना उतना ही मुश्किल है जितना बिना सीटीईटी क्लियर किए। तो हमें 120 मार्क्स लाने हैं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी से लाने हैं, और प्लीज़ मैं अगेन कह रहा हूँ, जो छोटी छोटी किताबें मार्केट में मिल रही हैं उनको मत कीजिए, उनमें बिल्कुल भी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, बस कंटेंट को कॉपी पेस्ट मार दिया है कहीं से, कुछ भी एग्जांपल्स नहीं दिए जाते हैं अच्छे से। ठीक है, लेकिन स्टडी प्लान के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में, आपको अच्छे से बताऊंगा कि आप किस स्टडी प्लान को यूज़ कर कर आने वाले एग्जाम में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। जाते जाते मैं एक बार खुद फिर आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। हमारा सबसे पहला कोर्स 1000 रुपये का है, जिसमें सिर्फ जनरल पैडागॉजी मिलेगी, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रहेगा। तो चाहे आप पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हैं, आपके लिए ये जनरल पैडागॉजी काम आएगी, ये सिर्फ 1000 रुपये का है। दूसरा कोर्स 2500 रुपये का मैथ्स एंड साइंस का है, ये उन लोगों के लिए है जो पेपर 2 में मैथ्स एंड साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपको पूरा कोर्स दिया जाएगा, जनरल पैडागॉजी दी जाएगी, मैथ्स की पैडागॉजी कंटेंट, इंग्लिश की पैडागॉजी कंटेंट, साइंस की पैडागॉजी कंटेंट और हिंदी की पैडागॉजी कंटेंट, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, पूरा का पूरा मटेरियल पेपर टू मैथ्स एंड साइंस के लिए यहाँ दिया जा रहा है, कॉस्ट है ₹2500। तीसरा, जो लोग सोशल स्टडीज पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास सोशल स्टडीज का कोर्स नहीं है, लेकिन उनके लिए भी हमने इन तीन कंपोनेंट्स को एक पैकेज बनाकर, जिसको हमने कोर्स 3 का नाम दिया है, लॉन्च कर दिया है। इसमें हमने जनरल पैडागॉजी, इंग्लिश पैडागॉजी एंड कंटेंट और हिंदी पैडागॉजी एंड कंटेंट लॉन्च किया है, इसको हमने 1500 रुपये का रखा है, और इन तीन सेक्शंस की अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो 90 मार्क्स में से आपके 70-72 मार्क्स आराम से आ सकते हैं, और सोशल स्टडीज की तैयारी करने के लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं, और ये कोर्स आपको बाकी के तीन सेक्शन में अच्छे से हेल्प करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कोर्स में प्री रिकॉर्डेड इंटरैक्टिव वीडियोस के साथ बहुत सारे लाइव सेशन होंगे, कुछ लाइव सेशन सिर्फ पेड कोर्स में ही किए जाएंगे, नोट्स भी दिए जाएंगे ताकि वीडियो देखने के बाद आप नोट्स को पढ़ें, कंसेप्ट को और क्लियर करें, फिर आपको क्विजेस दिए जाएंगे हर चैप्टर के बाद ताकि आप क्विज कर अपने कंसेप्ट को और क्लियर करें और अपनी रिटेंशन बढ़ाएं, और ये सारे क्विजेस एग्जाम पैटर्न पे होंगे, वही डिफिकल्टी लेवल के होंगे, उन्हीं टाइप के क्वेश्चन होंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो 2010 से 2016 के बीच में पूछे गए हैं, हम सारे क्वेश्चन को उन्हीं चैप्टर की वीडियोज में सॉल्व करके दिखाएंगे, और आपको ये भी पता लगेगा कि अगर आपने हमारे वीडियो को अच्छे से सुन लिया है तो आप पास्ट ईयर में आने वाले सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा हमारे कोर्स के बारे में था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पे कोर्स का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां जाकर इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको ईमेल आएगा, आप उस ईमेल में से पेमेंट लिंक को यूज़ कर पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको ईमेल तभी आएगा पेमेंट लिंक का अगर आप
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो प्लीज अगर आप हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट लिंक आएगा और आप उस पेमेंट लिंक को यूज कर पेमेंट कर सकते हैं और हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो आज के लिए अभी मैं इतना ही डिस्कस करना चाहता था, लेकिन अभी मैं आपकी कुछ क्वेरीज ले सकता हूं अगर आप लोग चाहते हैं। निशा सिंह कह रही हैं कि इंग्लिश की पैडागॉजी कर दो। सर निशा, हम इंग्लिश की पैडागॉजी पे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारे पेड कोर्स में इंग्लिश की पैडागॉजी बहुत अच्छे से कवर्ड है। इंग्लिश की पैडागॉजी में कुछ 12-13 लेसन हमने अच्छे से कवर किए हैं और इसके बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। नंदिनी कह रही है कि प्लीज आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए। नंदिनी, व्हाट्सएप ग्रुप तो हम बना लें, लेकिन सही फोरम यही रहेगा कि आप हमसे हमारे यूट्यूब सेशंस देखें और ग्रेडअप की ऐप पे आप हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज को आंसर करेंगे। और हमारी टीम तो है ही, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप help@gradeup.com पे ईमेल कर सकते हैं या फिर हमें 9650053865 पे कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर रिपीट करता हूँ, 9650053865 पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। लवली चोपड़ा पूछ रहे हैं कि जिन्होंने पेड कोर्स नहीं लिया है उनके लिए ऐसी लाइव वीडियो नहीं होगी क्या? लवली, होगी, कुछ लाइव वीडियोस होंगी, लेकिन लाइव वीडियोस में पूरा कोर्स नहीं कवर किया जाएगा, पूरा कोर्स पेड कोर्स में ही कवर्ड है। तो अगर आप सिर्फ इन लाइव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप देखिए। हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव वीडियोस करें, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। वंदना सेनगर पूछ रही है टाइमिंग्स ऑफ द कोर्स। वंदना, इस कोर्स की कोई ऐसी स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है। ये काफ़ी लेक्चर्स जो प्री रिकॉर्डेड होंगे वो तो आप कभी भी सुबह शाम दोपहर को अपने टाइम के मुताबिक देख सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लाइव सेशन हम जनरली शाम को ही करते हैं और वो लाइव सेशन भी अगर आप नहीं देख पाएंगे तो वो आपको एक रिकॉर्डेड वर्जन में आपके कोर्स में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, जब भी आपके पास टाइम हो आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। प्रिया कुलवाल कह रही हैं कि आप ग्रेडअप की ऐप में क्वेश्चंस हिंदी में क्यों नहीं देते? प्रिया, हिंदी में क्वेश्चंस टाइप करने थोड़े मुश्किल हैं, हमने इंग्लिश में टाइप करके क्वेश्चंस आपको ग्रेडअप की ऐप पे दिए हैं, लेकिन हमारे पेड कोर्स में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप हिंदी में क्वेश्चन करना चाहेंगी तो आप हिंदी में क्वेश्चन कर पाएंगी। विप उन्हीं पूछ रहे हैं, सर ऑनलाइन वीडियो मिलेगा कोर्स में या सिर्फ पीडीएफ? विपिन, कोर्स में आपको हर चैप्टर पे वीडियो भी मिलेगा और नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो कोर्स हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है मेनली वीडियो कोर्स ही है, वीडियो के बिना तो मजा ही क्या है, है ना। तो हर चैप्टर पे आपको वीडियो दिया जाएगा। अभिमन्यु रे पूछ रहे हैं कि सर प्लीज रिपीट द कॉन्टेक्ट नंबर। मैं नंबर रिपीट कर देता हूं, 9650053865। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 9650053865। विपुनी, नॉन पेड वालों के लिए वीडियोस बनाना देखिए मुश्किल है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं। हालांकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं, बिना पैसे के उठाएं, लेकिन फिर भी हर चीज़ की एक लिमिट होती है और हमारी रोज़ी रोटी भी इसी से चलती है, तो हम बिल्कुल फ्री तो नहीं दे सकते। और इसीलिए हमने जो प्राइस रखा है बहुत ही नॉमिनल रखा है। आप मुझे बता दीजिए कहीं पे 2500 रुपये में CTET की पूरी तैयारी करवाई जा रही हो,
और इतने अच्छे से, इतने अच्छे कंसेप्ट वीडियोस देकर, है ना, ऐसा कहीं भी नहीं होगा। तो बहुत ही सही प्राइस, नॉमिनल प्राइस रखा है, इससे मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रिया कुलवाल पूछ रही है फीस क्या है। प्रिया, अगर आप पेपर टू मैथ्स एंड साइंस दे रही हैं तो फुल कोर्स की फी 2500 रुपये है, और अगर आप पेपर टू सोशल स्टडीज दे रही हैं तो आप हमारे इंग्लिश, हिंदी और जनरल पैडागॉजी का जो कोर्स है वो 1500 रुपये वाला ले सकती हैं। निशांत यादव कह रहे हैं सर वीडियो कोर्स में आप ही पढ़ाएंगे। निशांत, जितनी भी पैडागॉजी है वीडियो कोर्स में मैं ही पढ़ाऊंगा, और बाकी जो मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी का कंटेंट है वो डिफरेंट फैकल्टी पढ़ाएगी। दानिश जो सेशन लेते हैं वो साइंस का कंटेंट पढ़ाते हैं, मैथ्स का कंटेंट भी काफ़ी वो पढ़ाते हैं, बाकी कंटेंट के लिए अलग अलग टीचर्स हैं, लेकिन जितनी भी पैडागॉजी है, चाहे वो इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, मैथ्स की हो, साइंस की हो, वो सारी पैडागॉजी मैं ही पढ़ाऊंगा। नंदनी पूछ रही है प्लीज टेल मी हार्ड कॉपी मिलेगी मटेरियल की। नंदनी, मटेरियल की हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, मटेरियल ऑनलाइन ही रहेगा, और आप इस मटेरियल को कैसे भी देख सकते हैं, मोबाइल पे देख सकते हैं, लैपटॉप पे देख सकते हैं, ठीक है। मोबाइल पे आप हमारी ऐप पर ये सारा मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्ड कॉपी की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, छोटे छोटे से लेसन है, अगर आप वीडियो देखकर पढ़ेंगे तो वैसे ही आप बहुत जल्दी से पढ़ लेंगे। तो चलिए, मेरा ख्याल अभी आपके क्वेश्चंस खत्म ही हो गए हैं, और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन होता प्लीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप help@gradeup.co पे ईमेल कर अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगर आप हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज उस लिंक पर क्लिक कर आप फॉर्म भरिए, हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी और आपको इस कोर्स में एनरोल करने में हेल्प करेगी। चलिए गाइस, थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे जो फॉर्म दिया है बस उस फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप help@gradeup.co पे ईमेल कीजिए, हमारी टीम आपकी सारी क्वेरीज को रिप्लाई करेगी। थैंक यू, बाय।